गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडिंग में एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। सभी छात्र ध्यान दें, हमने अभी जो भी कराया है उसको आप सभी व्हाट्सएप में हमको चेक कराएं, और इसमें जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं वो हमको ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है और क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। तो छात्र देखें एक्सरसाइज 4.2 कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमको एक डिटरमिनेंट डीएस का मान 0 दिखाना है। तो आपको सबको पता है जी कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है। हम क्या करेंगे, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं सारणी की उसको यूज करना है। तो इसमें हमको सॉल्व नहीं करना है बिना प्रसरण किए हुए, यानी इसको एक्सपांड नहीं करना है, सिर्फ हमको प्रॉपर्टीज लगा के ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, तीसरे कॉलम को चेंज करेंगे। तीसरे कॉलम को क्या चेंज करेंगे, तीसरे कॉलम में से पहले कॉलम को हटा देंगे। तो पहला कॉलम, तीसरा कॉलम चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसमें से हमने पहला कॉलम हटाया है, तो ये एक्स वन एक्स, ये वाई और ये जेड, ये एक्स है, ठीक है। इसको घटाने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगी, ठीक है। कितना मान आ जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी और यहाँ ए बी सी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों कॉलम जो हैं आपके, कौन से कॉलम, दूसरा और तीसरा कॉलम, वो कैसे हैं, समान है। कैसे हैं, समान है। और यदि दो कॉलम समान होते हैं तो डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, 0। इसका मान कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमको इस डिटरमिनेंट का मान 0 दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टीज कौन सा लगाएंगे कि पहले कॉलम में चेंज करके पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को और तीसरे कॉलम को जोड़ देंगे, तीनों कॉलम को जोड़ के पहला कॉलम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसमें अब हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम ऐड करेंगे। दूसरा कॉलम क्या है, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। फिर इसमें तीसरा कॉलम ऐड करेंगे, तो सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो यहाँ कितना हो गया, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। दूसरा कॉलम सेम रहेगा और तीसरा कॉलम सेम रहेगा। तीसरा कॉलम क्या है, सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब आप देखते हैं इसका मान कितना होगा, ए माइनस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, सी माइनस सी कैंसिल, कितना हो गया इसका मान, 0। इसमें सेकंड नंबर का जो वैल्यूज है वो कितनी होगी, वह भी 0 हो जाएगी, और तीसरे नंबर की वैल्यू जो वो भी 0 हो जाएगी। तो पहले कॉलम के तीनों मान 0 हो गए और दूसरा और तीसरा कॉलम सेम रख देंगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब इसमें यदि किसी भी सारणिक में कोई भी एक, यदि पूरा रो या कॉलम 0 हो, सारे अवयव 0 हो, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ कारण लिख देना, कि कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि स्तंभ 1 के सभी अवयव शून्य हैं। यदि एक कोई भी स्तंभ के या पंक्ति के सारे अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया, इसका मान कितना आ गया, 0। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब हमको इसका इसमें हमको जीरो दिखाना है सारणिक को, तो आप देखेंगे कि इस सारणिक में यदि हमने तीसरा कॉलम लिया, ये कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो तीसरे कॉलम को चेंज करेंगे, आप देखेंगे तीसरे कॉलम में से दूसरे कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई करके इंटू सी टू, दूसरे कॉलम में 9 का मल्टीप्लाई करके तीसरे कॉलम में से घटा दो, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, तीसरा कॉलम चेंज कर रहे हैं हम, बाकी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम रखेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी जरा देखें, पहले कॉलम क्या है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, अब यहां देखो 65 माइनस 9 इंटू 7 कितना होता, 9 इंटू 7 63, और ये कितना है 75, यहां कितना करेंगे 9 इंटू 8 9 इंटू 8, और ये कितना है 86, 9 इंटू 9, तो इसको सॉल्व करिए कितना हो गया 2, 3, 5, 7, 8, 9, ये कितना हो जाएगा 65 माइनस 62, ये कितना हो जाएगा 72, 75 में से सबट्रैक्ट किया 3, और 86 में से 80 बन गया 5, अब आप देखेंगे पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम कौन सा है C1, और दूसरा कॉलम कैसे है, समान है, तो यदि दो कॉलम स्तंभ या पंक्ति समान हो तो सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है, क्लियर, तो इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा शून्य, बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लो, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमको जो फोर्थ क्वेश्चन देखें, हमको इस सारणिक का मान शून्य दिखाना है, इसको थोड़ा सिंपल कर लो, कैसा लिखा हुआ है, 1 1 1, ये कितना है BC CA AB, इसमें ब्रैकेट को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा AB प्लस AC, ये कितना हो जाएगा BC प्लस AB, ये कितना हो जाएगा CA प्लस CB, अब हम क्या करेंगे, तीसरे कॉलम को चेंज करेंगे, तीसरे कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1 1, BC CA, और ये कितना AB, अब इसको BC को तीसरे कॉलम में ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा AB AC BC, और यहां कितना हो जाएगा BC AB CA, और ये कितना हो जाएगा CA CB AB। अब आप देखेंगे कि यह कॉमन आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा डिटरमिनेंट में 1 1 1, BC CA AB, यहां क्या बचेगा 1 1 1। अब हम देखते हैं कि इसमें दो कॉलम समान है, दो कॉलम कैसे हैं, समान है, ठीक है, और दो कॉलम में यदि समान हो
C1 तथा C2 समान है, इसीलिए इस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा? मान शून्य होगा। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन बच्चे अब इसको खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट मत दे रहा हूं। आपको क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ देंगे, पहली रो को चेंज करेंगे और इसमें पहली रो में दूसरी रो और तीसरी रो को जोड़ देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पर टू कॉमन निकल के ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ क्या आ जाएगा? टू पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ कितना हो जाएगा? आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप इसमें से टू को कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, आर प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो को जब फर्स्ट रो में से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां सिर्फ बी बचेगा, और सेकंड रो को, या इसको सेकंड रो में से और फर्स्ट थर्ड रो में से घटा देंगे तो यहां सिंगल सिंगल वैल्यू बचेंगी। ठीक है, और इसको सॉल्व करके इजीली कर सकते हो। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें और इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। थैंक यू।